पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके के एक फ्लैट में फायरिंग का मामला आया सामने। बताया जा रहा है कि रविवार शाम शाहदरा जिले के फर्श बाजार थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी ने फ्लैट में रहने वाली महिला पर गोली चलाई थी। हालांकि महिला इस फायरिंग में बाल बाल बच गई। घटना के बाद से ही आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामला दर्ज कर पुलिस जाँच में जुट गई है। सूचना मिलते ही जिले के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और महिला के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। कांस्टेबल राजीव कुमार से पूछताछ जारी है जिससे पूरी घटना की तह तक जाया जा सके। डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि घटना शनिवार शाम 6 बजे की है। शाहदरा जिला के फर्श बाजार थाने में तैनात हेड कांस्टेबल राजीव कुमार ने महिला पर की गई इस फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ है। राजीव कुमार के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि राजीव कुमार फर्श बाजार थाना से पहले शकरपुर थाना में तैनात था और जिस महिला पर उसने फायरिंग की उस महिला के यहाँ उसका आना जाना था। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।